हेलो दोस्तों दोस्तों मेरे काफ़ी व्यूवर ने मैं तो एक सवाल पूछा हुआ है कि सर GNM कोर्स बारे जानकारी दो। ते अज दी वीडियो आप ही गल करेंगे GNM कोर्स है कि इसके कम की होंगे ने, जे GNM आप क्लीयर कर लेने उस तो बाद किस तरह की जॉब मिलती है, तो इसकी तनख्वाह कितनी होंगी है, योग्यता की है GNM अप्लाई करने वास्ते। अगर दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, तो वीडियो में लाइक कर लो। सब तो पहले आप गल करिए व्हाट इज़ GNM, GNM है कि दोस्तों आप हॉस्पिटल गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल जाने हैं, तो एक डॉक्टर के नालों काफ़ी नर्सा जी होंगी है, कम से कम 4-5 नर्स टेक केयर करने वास्ते, ख्याल मरीज़ का ख्याल रखने वास्ते या केयरिंग करने वास्ते नर्सा होंगी है, तो यह नर्स जॉब करन वास्ते GNM का कोर्स करना पैंदा। ठीक है दोस्तों, जिवें कि तुहानू पता ही है हुण जिवें जिवें मरीज़ अते बीमारियां वधदी जा रही हैं, उवें उवें होस्पिटल की संख्या भी वधदी जा रही है, तो नर्सिंग जॉब फ्यूचर विच एक बहुत ही जरूरी अते बहुत सक्सैसफुल जॉब बन जाएगी। तो अगे गल करिए दोस्तों, GNM कोर्स की एलिजिबिलिटी की है, योग्यता की होनी चाहिए यह कोर्स अप्लाई करने वास्ते। तो दोस्तों सिर्फ 12th पास मिनीम 50% नंबर पास होना चाहिए, जे तुसीं 12वीं पास हो 50% नंबर तो यह कोर्स अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यह एक डिप्लोमा कोर्स है, तो यह 3 साल का कोर्स होंगे दोस्तों, दोस्तों 6 महीनों की जी इसकी प्रैक्टिकल इंटर्नशिप होंगी है। तो दोस्तों इसकी एग्जाम की गल करिए, सेमेस्टर वाइज हर 6 मंथ में इसका एग्जाम होंगे ने, सेमेस्टर सिस्टम होंगे एग्जाम का। तो नैक्सट गल करिए दोस्तों, टोटल फीस ऑफ कोर्स किन्नी है, इसनों जो डिप्लोमा है इसकी फीस किन्नी होंगी है। दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में आप जी करिए 20,000 पर साल की इन्हों की कोस्ट है, बट SC ST कैंडिडेट लिए इसनों छूट भी दी जाती है, बट प्राइवेट कॉलेज में 40,000 पर मंथ सॉरी पर ईयर का जोड़ा एसटीमेट इसका खर्चा होंगे है, तो SC ST वास्ते कोई छूट नहीं है। तो जेकर इसकी सैलरी की गल करिए दोस्तों, प्रति साल की सैलरी 10,000 तो अंदाजा ला के मैं 3 तो 5 लाख रुपए तुसी इस नौकरी के थ्रू कमा सकते हो, तो जिवें जिवें तुहाडा एक्सपीरियंस इनक्रीज़ होंदा रहिंदा है तो तुहाडी सैलरी भी इनक्रीज़ होंदी जाती है, यह 5 तो लैके 8 लख रुपए तक इसकी सैलरी पहुँच जाती है। दोस्तों जे फिर भी कोई सवाल तुहाडे मन में इस रिलेटड GNM रिलेटड है, तो वीडियो में कमेंट करो, मैं उसका सवाल जरूर क्लीयर करूँगा थोड़ा माइंड कि तुम्हें किमें इतने कितने तुम्हें एडमिशन करना चाहिए है। ओके दोस्तों, जे वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, तो वीडियो में शेयर जरूर करना।